खरगोन जिले के थाना बड़वा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल गुम होने की शिकायतों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शैलेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में साइबर सेल SDOP कार्यालय बड़वा आरक्षक संदीप चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरक्षक चौहान के नेतृत्व में गठित टीम में आरक्षक शिवचरण कानड़े, आरक्षक निखिल बारचे ने सक्रियता दिखाते हुए सभी आवेदनों शिकायतों को एकत्रित कर बार बार ट्रेसिंग की गई और 27 मोबाइलों को खोज निकाला। खोजे गए मोबाइलों की जानकारी संबंधित थानों को देकर कब्जे में लिया गया। जब्त तो मोबाइलों की कुल कीमत 3,03,000 आकी गई। इन मोबाइलों के मालिकों को सूचित कर बड़वा थाना बुलाया गया एवं पुलिस अधीक्षक पांडे द्वारा मोबाइल सुपुर्द किए गए। अपने उद्बोधन में SP पांडे ने मोबाइल की उपयोगिता और सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में सभी को मार्गदर्शन दिया। इस उपलब्धि पर साइबर टीम के सभी आरक्षकों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। SP सुनील कुमार ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है। छोटी भी बड़ी भी इंफॉर्मेशन जो समाज को बहुत अच्छे बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, थोड़ी देर में कहीं से कहीं भी पहुंच जाती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को जागरूक भी करिए कि इंटरनेट की अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपने फायदे हैं, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हैं अगर आप लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के बच्चे हैं, आपकी सिस्टर भी होगी। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मोबाइल का उपयोग अगर जरूरत नहीं है तो फायदा कम पहुंचाता है, नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए। मैं आजकल जहां भी जाता हूं लोगों से यही बात करता हूं कि स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको जरूरत नहीं है घर पे बात करने की, उनको आप मोबाइल मत दीजिए। वो मोबाइल का दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर आपने किन्हीं कारण से जरूरी आपने मोबाइल दे रखा है, क्योंकि दुनिया समाज के साथ आपको चलना है, तो आप मोबाइल अवॉइड नहीं कर सकते। हो सकता है दूसरे बच्चों के पास, तो आपका बच्चा जिद करेगा कि उसके पास मोबाइल है, हमें भी दीजिए। बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसको चेक करिए या वो मोबाइल से क्या कर रहा है, उपयोग क्या कर रहा है, इंटरनेट का क्या उपयोग कर रहा है, कहीं वो गलत चीजें तो उस पर नहीं देख रहा है। स्पेशली मैं इस रेफरेंस में सारी बातें कह रहा हूँ कि जितने भी ये बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, जितने भी बहुत जघन्य और घृणित अपराध हो रहे हैं, उनमें दो ही चीजें प्रमुख रूप से हैं। एक इंटरनेट का गलत उपयोग, उसमें जो गलत साइट है उस पर जाके गलत चीजें देखना, गंदी मूवी देखना, और दूसरा है कि हम इसको नियंत्रित नहीं करते कि किस तरह से वो गलत चीजें कर रहा है। वो अगर नशे में है, अगर आपने दो चीजें कंट्रोल कर ली, एक नशा को कंट्रोल कर लिया और दूसरा इंटरनेट और मोबाइल और दूसरी जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके उपयोग को कंट्रोल कर लिया, तो आप क्राइम के कंट्रोल में बहुत मदद करेंगे। जितने भी इस टाइप के अपराध हुए उनकी जो स्टडी है या जो उनके हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। अधिकांश घृणित अपराध नशे की हालत में होते हैं, तो आप नशे के प्रति भी लोगों को जागरूक करिए, लोग जाने। और दूसरा ये इंटरनेट पे बच्चा जानता नहीं, कम उम्र के लोग होते हैं, टीनेजर होते हैं, छोटे लोग होते हैं, वो बहुत जानते नहीं हैं, वो कभी कभी इसका दुरुपयोग कर लेते हैं और वो ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। और अगर उसके साथ अगर वो ड्रग्स के एडिक्ट हैं, नशे की आदत है, तो वो भाग सकते हैं। ये एक बड़ा छोटा सा उसका वो है। वैसे तो आप सब जानते हो कि क्रिमिनल जो मेंटेलिटी होती है उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं अगर कोई क्राइम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।